श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय रे जिला जज जस्टिस अंबुज मोहन दास मंदिर परिचालना ने मुख्य प्रशासक नीति प्रशासक सहित आलोचना व्यवस्था अनुध्यान कर रिपोर्ट देवा को कहिथिले सुप्रीम कोर्ट। हाई प्रोफाइल आयोजन सबुठारु बड़ साक्षात्कार पई प्रस्तुत सिंगापुर राजनीति रु ने रास्ता सबुठी चाय गले ट्रंप उन कनाडा राष्ट्रपति ट्रूडो को ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को सीरीज ट्वीट ने झड़ आरंभ हैला ट्रेड वॉर अमेरिका को खोला गुलक कही भारत को टारगेट कले अमेरिका राष्ट्रपति। दुई हजार उन्नीस सबु बड़ लड़े यूपी प्लान महागठबंधन बड़ त्याग मोदी रथ रोक अखिलेश बड़ चाल बीएसपी को अधिक सीट देवाक राजी उत्तर प्रदेश जूनियर पार्टनर। सरकारी विभाग रे घर कंपनी अधिकारी निजुक्ति प्रसंगे राजनीति जोर मोदी सरकार पदक्षेप को विरोधी दलों भर्सना भारतीय प्रशासनिक लैटरल एंट्री ने घोषणा कर सरकार। बालेश्वर बस्तार अभावन घटना छोटिया कथा गां दांडे वृद्धा मां को जम जंत्रणा दला पुओ निर्यातनार वीडियो वायरल पर पुओ को बांधिला पुलिस सबु स्तर उद्वेग। एवं मिशन शक्ति बढ़ाइला महिलाओं का शक्ति नारी सशक्तिकरण दिगरे ज्वलंत उदाहरण गंजाम नारायणपुर अंबिका एसएचजी सफलतारु समस्त मिल प्रेरणा। नमस्कार आपण देखुं फोकस पॉइंट जागृति महांती। विश्वर सबुठ बड़ भेटघाट पर सिंगापुर राजनीति को नहीं रास्ता जाए सबकि प्रस्तुत हो सारी सिंगापुर सहर सबु स्थान एवं छाई जाती ट्रंप एवं उन आमे कहू आसंता काली सिंगापुर रे बहु चर्चित और बहु प्रतीक्षित साक्षात्कार कथा सारा विश्व से समय को अपेक्षा करते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया शासक किम जन उन भेट। दुई शत्रु बंधु होई मल बुलिबा को बाहरी मल रे ट्रंप और उन को देखि समस्ते चकित फोटो और वीडियो करबा पई प्रतियोगिता किछि दिन तले परमाणु बोमा बटन रो शक्ति और परस्पर रो देश को नष्ट कर देबार धमक देउथिबा ए दुई नेता को उपरे एबे रहिछि सारा विश्व रो नजर किंतु ए दुई नेता बिना कोनोसी टेंशन रे मल रे बुलुछंती हेलो हाय करुछंती लोकंक सह फोटो भी उठाउछंती एतिके नुहे पूरा सिंगापुर रे एबे ए दुहिंको नाही सुना जाउछि स्पेशल बर्गर स्पेशल वाइन स्पेशल फूड आहुरी केते कोन बिक्री हेउछि। सिंगापुर रे राजनीति रो दुई महाजोद्धा गोटिए पटे भेटघाट रो महागाथा लेखिबा को प्रस्तुति करुछंती अन्य पटे सिंगापुर रो रास्ता सबु सबुठु बड़ साक्षात्कार रो प्रमोशन करिवारे व्यस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं उत्तर कोरिया रो सुप्रीम नेता किम जोंग उन को ए दुई डुप्लिकेट एही प्रमोशन पाई काम करुछंती। प्रमोशन भितरे एही ऐतिहासिक भेटघाट पछरे किछि रोचक कथा भी अछि सबुठ शक्तिशाली देश अमेरिका और छोटो देश उत्तर कोरिया 71 वर्षर राष्ट्रपति 34 वर्षर किम जोंग उन 135 कोटीर मोट खर्चरु केवल सुरक्षा पाई खर्च हेउछि 50 कोटीरु अधिक एही साक्षात्कार को कवर करिवे विश्वर 3000 सांबादिक। दक्षिण कोरियार संवादपत्र जुनगांग इल्बो दाबी करिछि जे परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति वार्ता पाई जदि सिंगापुर बैठक सफल हुए तबे ट्रंप और किम को द्वितीय साक्षात्कार जुलाई रे पोंगयांग रे एवं तृतीय साक्षात्कार सेप्टेम्बर रे वाशिंगटन रे होई पारे। साक्षात्कार पूर्वरु वैदेशिक मंत्रालय संकेत देछि जे ई साक्षात्कार समय रे गोटिए बड़ घोषणा करि पारंती ट्रंप स्पेशल मीटिंग पाई सिंगापुर हो जाइछि स्पेशल जोन आउ ए ऐतिहासिक साक्षात्कार पाई आयोजन भी करा जाइछि स्वतंत्र। G7 सम्मेलनी परे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट को नहीं सृष्टि होइछि हइछै ट्रूडो को उपरे ट्रंप जो मंतव्य देथिले ताहा फलरे एबे अमेरिका यूरोप रे ट्रेड वॉर सृष्टि हेबा सहित भारत रे भी व्यावसायिक क्षेत्र उपरे प्रभाव पड़ी पारे।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାର ମହାଗାଥା ଲେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୟାନ କମ୍, ଅଧିକ ହୁଏ ହଙ୍ଗାମା। କାନାଡ଼ାର କ୍ୟୁବେକ୍ ସହରରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ଏହାଫଳରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ G7ର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ତର୍କ, ଆଉ ଏବେ ଏହା ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ର ରୂପ ବି ନେବାରେ ଲାଗିଛି। G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଜାରି ବୟାନକୁ ଖାରଜ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିରିଜ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ କହିଲେ ବେଇମାନ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜର୍ମାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ଅଫିସରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାର୍ବଜନିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲେରି କୁଦ୍ଲୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରୁଡୋ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭସିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଦରକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ G7ର କଥା ନୁହେଁ, ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତ ଅଛି ଯେଉଁଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ 100%, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯିଏ କେହି ବି ଲୁଟୁଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ଏ ପୁରା ଘଟଣା, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ। ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ କାନାଡ଼ା ଓ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲା। ଏହା ବଦଳରେ କାନାଡ଼ା ଆମେରିକୀୟ ଡାଏରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା, ଯାହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ବୟାନବାଜି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ବିମାନରେ ବସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆଉ G7 ବୈଠକରେ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାଟକ ବୋଲି କହିଲେ। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କେମିତି ଏତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହା ତ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଝାମଣାରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିସହ ଆମଦାନୀ ଦରକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମାତ୍ର। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଘରୋଇ ଅଧିକାରୀ ଆଇଏଏସ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବିନା ଭୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ବିନା ହିଁ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ, ମାନେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ବାବୁ ହୋଇପାରିବେ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିବେ। ନିକଟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 10ଟି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଚାଲ। ମୁଁ ସମଝତା ହୁଁ କି ଜଲ୍ଦବାଜି ମେଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ଗୟା ଔର ୟା ଫିର ବହୁତ ସୋଚ ସମଝ କେ କିଆ ଗୟା। ସୋଚ ସମଝ କେ ଇସଲିଏ କି ଇସକେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯୋ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ଲୋକ ହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ଲୋକ ହେଁ, इनके जो खास खास लोग हैं, मुकेश अंबानी है, अडानी है, उनके लोग, अपने लोग, वो सरकार में अंदर प्रवेश कर जाएंगे और सरकार के जो निर्णय हैं उसको सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनके जरिए अगर अपने विचारधारा के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को, अपने उन लोगों को यहाँ लाना चाहती है जो उसके जो संगठन है या संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा। प्रशासन के नाम पर, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर, निष्पक्षता के नाम पर। कांग्रेस समेत सीपीएम और आरजेडी मध्य सरकार को लैटरल एंट्री नीति नहीं उठाई प्रश्न। आरएसएस लोगों को आईएएस मान्यता देवा पाई बीजेपी सरकार उद्यम करुथिबा कहिसंती सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव
मोदी सरकार पदक्षेप को संविधान विरोधी बोली कहते अन्य विरोधी दल भी ए पदक्षेप नहीं आपत्ति प्रकाश कर विभिन्न सरकारी विभाग में घरोई क्षेत्र विशेषज्ञ और प्रवीण अधिकारी निजुक्ति नीति आयोग देखा प्रस्ताव आ सरकार कार्यकारी कर पूर्व बैंकिंग सेक्टर में व्यवस्था लागू करा जाएछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एमिति घटना जहां केबे घटिबाकु चाहे ना मनीष एमिति दृश्य जहां केबे देखिबाकु चाहे ना समाज एमिति स्थिति जहां केबे सामना करिबाकु चाहे नि संपर्क तथापि घटिछि से अभावनीय घटना आम आखि सामनारे समाज संपर्क भितरे हां बालेश्वर बस्तारे छोटिया कथा पाई वृद्धा मां को तले पकाई मरणांतक जातना देछि पुओ निर्यातनार से वीडियो वायरल हेबा परे पुओ को गिरफ करिछि पुलिस। मा ओ ममता आम जीवनादर्श आम जीवन संजीवनी प्रति मनीषर अस्थि मज्जागत गर्भस्थ रु भूमिष्ठ हेला छुआपाय मा जेमिति समर्पी दे थाए तमाम जीवन से मार मूल दे हुएनी कि ममतार विकल्प पाएनी संतान ऋण सुझिवा तो कहीं केते दूरर कथा हेले केही कौन केबे जन्मदात्री को दे पारे मृत्यु समय जंत्रणा उत्तर ना तथापि हाँ माने विरल ए घटना घटी आमरी समाज रे आम आखि सामनारे पुओ एमिति पिशाच साजिछि जे माँ को करिछि क्षताक्त जेउ पणत ताकु विपद आपदर खुड़े रखुला से पणत को करदेछि रक्ताक्त गाँ दाण्डरे वृद्धा माँ को एभली निर्मम निर्यातना देछि जे जहाना देखी हेउछि ना सही हेउछि। बालेश्वर जिला बस्ता थाना बैतपड़ा गाँव रो अभावनीय दृश्य भाइराल हेबा परे अभियुक्त पुओ श्रीधर बारिक को गिरफ्त करिछि पुलिस। बैतपड़ा गाँ लोके श्रीधर को करिछन्ति छिछि एही घर को मुआयर मु पार्टिकुलर मते पिटिला टिके हो तुमरो कोन नाती नातुनी बहु सहित झगड़ा हां सहित पे मा बाड़े हां जे पिटी के टिके पिटला नुआ बहु टाई छिके नुआ बहु तुम गाली देतो हां रांगु थुला टिके ओल्ड एज रे बाप मा घर अछन्ते ताको प्रति जदि इबला व्यवहार जो माने करतो से माने सतर्क हेबे एवं आगामी दिन ले इमिति काम करबे नै बोली मु आशा करबे केते कष्ट जाउ छु न खाई के छुआ मन त खौचे जे हम छुआ दिरा खाऊ छुआ डळ बिकळ आसी मा को खाइते मागिबे हो मा खाइते दे छुनि माड़ खाउ जो तारो से भगवान विचार करबो आ की होछि मा बाप रो कहीं श्रीधर पोरु पलटि गले पशु कारण से भली गुरुतर नुहे पुलिस कहिबा अनुसार नाती नातुणी को गाली गुलज करिबारु माँ को मरणांतक कष्ट देबाकु संकोच कलेनी श्रीधर एभली अभावनीय घटना नहीं सबु स्तर उठी उद्वेग पुओ केबे माँ को बाड़ेबा उचित नुहे कारण से गर्भधारिणी माँ दस मास तक जन्म कर दस मास पेटर धरिकी केते कष्ट सप्ताह हाथ धरिकी चलने शिखेई खुआई शिखेई दुनिया को आलोक देखेई एत कथा देलापर जदि सी से मानने तार भूली जाए कि माँ को हाथ उठाऊ याठ भाई दुख और लज्जार कारण किसी ना स्त्री भाव पुओ माँ सपोर्ट नहीं मत अत्याचार करुच्ची एवं माँ भाव माँ मत भावती जे पुओ मोर बदली गला एवं मां सपोर्ट ने पुओ स्त्री सपोर्ट नै मते किछि कहूछि किछि दिन तळे बरगढ़ जिला गाईसिलोट रे देखिबा को मिलिथला एभली एक भावनीय दृश्य गां दांडरे सर्व सम्मुख रे सासुंकु घोसारी घोसारी नैथिला बहु जेते चित्कार कले भी छाडु नथिला विरल कथा क्वचित घटुथिले भी एभली गोटिए दुईटी घटना आम सामाजिक संपर्क उपरे उठाइछि बड़ प्रश्न संपर्क रे विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता केमिति मरी जाउछि ताहाणुछि सामना को
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଏବେ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଜୋରଦାର କସରତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାର ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଦେବ ଚିନ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାଟ ବି ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ମୋଦି ରଥ ରୋକିବାକୁ ଦୀପୁଙ୍କ ବଡ଼ ଚାଲ, ପିୟୁସି ହେବେ ସିନିୟର, ଅଖିଳେଶ ଜୁନିୟର निज सीट त्याग करने भी प्रस्तुत। अखिलेश लंबी है क्या है, और मैं आज कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा, और अगर दो चार सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। ये राजनीति रो समाजवादी साल, ये उत्तर प्रदेश रे राजनीति रो आगामी पीढ़ी रो चाल, जेस रो चाल भली यूपी राजनीति रे। ए राजनीति खेल नेतृत्व ने अखिलेश यादव से ही राजनैतिक गोटी चलाई जो किंतु परंतुर कौन अवसर ना। लक्ष्य हला 2019 यूपी रे सीट रो भाग बंटा, किंतु प्रथम उद्देश्य हला प्रधानमंत्री मोदी विजय रथ को भारतीय राजनीति रो हृदय प्रदेश रोकवा, आई जरूरी थिला पीयूसी को मनाइबा, किंतु कड़ा राजनैतिक गोटी चालना प्रसिद्ध मायावती सांगे मेंटो धर्म तुलाइबा किसी सहज कथा नुहे। एथिपाई गोरखपुर और फुलपुर एसपी प्रार्थी विजय और तापर केरान हैट्रिक विजय पर जितेबले मायावती सीट भागवंटा नहीं कड़ा मनोभाव देखा आरंभ कले से बीजेपी भितर बढ़ीगला उत्साह, किंतु उत्तर प्रदेश में महागठबंधन उपर विपद को पुणि थे निज विचक्षण बुद्धि दूर करने को चेष्टा कर अखिलेश। मेनपुरी रे गोटे जनसभा रे अखिलेश स्पष्ट करिसंती जे बीजेपी को रोकिबा पई जदि तांकु किछि सीट छाडिबा को भी पड़े तबे से प्रस्तुत छंती। अब बीजेपी की चिंता है कि ये दोनों कैसे करेंगे हिसाब किताब। अगर हम गठबंधन ऊपर करना है तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है नीचे करेंगे सब करेंगे, उन लोगों का साथ देकर के उनके साथ खड़े होकर के उनका साथ लेना है हमें और आपको। अखिलेश को वार्ता तांकर कर्मकर्ता मानंक उद्देश्य रबी थिला जे बड़ लड़े पाई से भी त्याग करबा को प्रस्तुत। एबे टिपुं को ही राजनीतिक चाल उपरे प्रतिक्रिया भी आसीबा आरंभ हो जाइछि। बीजेपी यहा को समाजवादी पार्टी रो दुर्बलता कही विरोधी को शक्ति कम हेउथिबा दर्शाउछि, सेपटे कांग्रेस अखिलेश को देउछि पूर्ण समर्थन। मते का कुलवा है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा है, मुझको नहीं लगता कि वो क्या अच्छा कोई इस प्रकार का एक वो बना पाएंगे। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही जनमित जनहित सर्वोपरि हो, तो उसमें वार्तालाप होगा, एक दूसरे से बात होगी, थोड़े विरोधाभास खत्म होंगे। तबे आपन को कहि देउछु केरना रे विजय परे मायावती इशारा देथिले जे तांको दल उत्तर प्रदेश रे 80 रु प्राय 40 टी सीट रे लढिबा पई दाबी करिवो। सीट आवंटन फार्मूला अनुसार बीएसपी 37 ओ एसपी 40 सीट दाबी करि पारंती। उत्तर प्रदेश रे एसपी बीएसपी आरएलडी और कांग्रेस को नहीं महागठबंधन करने को चाहते अखिलेश, एथिपाई एसपी और बीएसपी को किछि किछि सीट छाड़ को पड़ो। अखिलेश प्रथम ही एसपी कोटारू आरएलडी को सीट देवा घोषणा कर सारी। मायावती यूपी जरिया एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान विधानसभा निर्वाचन पर कांग्रेस ठारू किछि सीट चाहते, तेरे अखिलेश निज राजनैतिक विचक्षणतारु स्पष्ट करते किछि पाइबा किछि हरैबा को भी से प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश रे मिलित भावे विरोधी पूर्वर भी निज शक्ति देखाई सारी, एवं देखा कथा जे उत्तर प्रदेश राजनीति में जो चाल बापा मुलायम सिंह चलते से अखिलेश सफल होती ना। रिपोर्ट News18 ओडिया। पुरुष और नारी, परिवार हो बा समाज, सबु क्षेत्र में विकास पाई उभयंकर रही बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका। कुहा जाए जो समाज रे नारी जेते उन्नत से समाज सेते समृद्ध और विकसित। एहा ही थिला मिशन शक्ति नामक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ करने पछरे प्रकृत उद्देश्य। निजर दृढ़ मनोबल कठिन परिश्रम बल उद्देश्य को सफलतार शीर्षक नहीं आम राज्यर लक्ष लक्ष महिला ठीक सेमिति उदाहरण सृष्टि करिछंति। गंजाम जिला कुकुड़ाखंडी ब्लॉक नारायणपुर गांव रो मां अंबिका स्वयं सहायिका गोष्ठी महिला समुदाय
ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗହମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ମିଲ୍ରେ ପେଶିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶାଇବା, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ହୋଇ ବିତରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ଏଠି ଚାଲିଛି ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଏ ମହିଳାମାନେ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକାଣୀ। ଏ ହେଉଛି ମା ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଘରେ ବସୁଥିଲୁ, ବିଜାର ଲାଗୁଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି କାମ ସରିଲେ ଶୋଉଥିଲୁ, ବୋଉଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଛତୁଆ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଲାଠୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠିକି ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ମିଳିଲେ, ଆମର ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଆସାର, ପରିବାରର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। 1998 ମସିହାରେ 4 ମହିଳା ଗଠନ କରିଥିଲେ ମା ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମେ 50,000 ଋଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 12, ପରେ ଆଣିଥିଲେ 3,00,000 ଋଣ, ଯାହା ଏମାନେ ପରିଶୋଧ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଛତୁଆ। ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗହମ ପାଛୁଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡିଂ କରିବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଛତୁଆ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାସକୁ 5,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। 1998 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 50,000 ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ 4-5 ଏମିତି ହେଇକିରି କଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଲୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଇଏ ମେମ୍ବର ବଢ଼ିଲୁ, 12 ହେଲୁ, 3,00,000 ମଝିରେ ଆଣିଥିଲୁ, ସୁଝିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଭଜା ମିଳିଲେ ଆଣିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କେତେ ଭଲ ପଦକ, ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, କାମ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇକିରି ଯେଉଁ 25 ଆଣିଲେ ଘରଟା ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ମାଆମାନେ ଆଉ 25 ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଠିକ୍ ସେ ଚଳିବ ବୋଲି ଆମେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଇଛି ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ଆକାଶ। ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିବା ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିନକ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସୁରଟରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା, ତାହା ପୁଣି 1,000 କି 10,000 ନୁହେଁ, 1,00,000 କି 10,00,000 ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷିଲା ପୁରା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧନ ବର୍ଷା, ଗାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା, ଉପରୁ ନୋଟ୍ ବର୍ଷିଲା, ସାଇଡ୍ରୁ ବର୍ଷିଲା ନୋଟ୍, ଏପଟୁ ବର୍ଷିଲା, ସେପଟୁ ବର୍ଷିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ବର୍ଷିଲା ନୋଟ୍। ସୁରଟରେ ହେଲା ପ୍ରବଳ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା। ସୁରଟର ସଚିନରେ ହେଉଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଷ୍ଟେଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶ୍ରୋତା। ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜଙ୍କର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭଜନ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୋଇଗଲା ଭାବବିହ୍ୱଳ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଜନ ଆସରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା। ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଭିତରେ 50,00,000 ଅଧିକ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋଲାପୀ ଓ ସବୁଜିଆ କଡ଼କା ନୋଟ୍ରେ ଭରିଗଲା ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗାଉଥିଲେ ଗାୟକ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ 10, 100, 500 ଆଉ 1,000 ନୋଟ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଠୁଳା ଗଲେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜମା ହେଉଥିଲା। ନୋଟ୍ ବର୍ଷାର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ପରିମାଣ 1.5 କୋଟି ଟପିଗଲା। ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଯିବ। एक धार्मिक कार्यक्रम है, माँ गाय माता के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। गाय माता और सब पशुओं के लिए जो एक्सीडेंट होते हैं, जो पशु बीमार रहते हैं, उसकी हॉस्पिटल के लिए ये कार्यक्रम किया गया था।
और ये गुजरात की प्रथा है कि इसमें पैसे उड़ाते हैं, माँ गाय के लिए उड़ाते हैं और चैरिटी के लिए उड़ाते हैं। मैं इसमें से एक रुपये भी नहीं लेता और ये पूरा परसोत्तम मास में एक भी रुपये नहीं लेता हूँ। कामधेनु गोरक्षा ट्रस्ट पक्षर गाई डाक्तरखाना निर्माण करने को कार्यक्रम आयोजन होता भजन मंडली ब्रिजराज गढ़वी शह शह संख्यार लोके भजन संध्या को आसिले आउ भजन बाबदे जो कथा को नहीं गुजरात लोकों प्रसिद्धि अच्छी आरंभ हो गला से ही अभियान भजन संध्यार होगाकू लगला मोट्र वर्षा रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। समय सरी बुलेटिन को एठी रखुछु। नमस्कार।